Hello, welcome back for the Business Statistics Online Lecture. Today we are going to study the functions of statistics. How do statistics works? Basically, statistics कैसे काम करता है? इसका use क्या है? Statistics के meaning क्या है? उनके definitions क्या है? वो सब तो पता कर लिए. But actually में ये statistics करता क्या है? वो आज हम जानेंगे. So the function of statistics are as follows. Number one is simplifies complex data. अब कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब क्या है सर एंड मैडम? कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब ये है कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमें रीड करने के बाद भी नहीं समझ में आता है, री रीडिंग की जरूरत है, या फिर कोई प्रोफेशनल्स या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स की जरूरत है जो वो रीड करके समझा सके. हम खुद कभी कभी वो डेटा को समझ नहीं पाते, जबकि वो डेटा जो है बहुत ईजी एंड सिंपल. समझो एक स्टेटमेंट है कि एक्स वाई जेड कंपनी मैन्युफैक्चर्स 1 लाख यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट. द 70% गोज टू द अर्बन एरिया एंड इन दैट द 80% गोज टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. एंड देन द 30% गोज टू द रूरल एरियाज एंड इन रूरल एरियाज 90% गोज टू द नीडी एंड द वन हु रिक्वायर फ्री और डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स. दिमाग चलाना पड़ेगा कि 70% में 80% इज गोइंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड जो बाकी का 30% है उसके अंदर का जो 90% इज गोइंग टू द रिक्वायर्ड नीडी एंड जो डिस्काउंटेड लोग हैं जिनको डिस्काउंट्स में प्रोडक्ट देना चाहिए एज एन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से. सो एक स्टेटमेंट जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. अब वो स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाते हैं. 70% का डायग्राम दिखाया, उस पर कल हमने फिर बाइफर्केशन करके दिखाया, कलर अलग अलग रखे दोनों. 70% ऑल्सो वी हैव 80% एंड 20%. इन 30% ऑल्सो वी हैव 90% एंड 10%. तो वो डायग्रामेटिक फॉर्म में डेटा को कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर देता है. ठीक है. सो ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एट एनी वन टाइम. सो डेटा जो है एक टाइम में यू कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड. टेक्स्टुअल होगा तो बहुत मुश्किल होता है, बट स्टैटिस्टिकल तरीके से बताया जाएगा तो वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है. हाउएवर वन कैन इजीली रिमेंबर द फिगर ऑफ पर कैपिटा इनकम. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पर कैपिटा इनकम का. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि फिगर्स ऑफ एनी डेटा कैन बी अंडरस्टूड दिमाग में नहीं बैठेगा. लेकिन एक मूवी 2 घंटा 2.5 घंटा या फिर 8-8, 16-16 घंटे का जो वेब सीरीज है वो हमें याद होता है और उसमें से एक एक सिनेरियो, एक एक जो सीक्वेंसेस है शॉट्स है हमें वो याद रहते हैं. क्यों याद रहते हैं? क्योंकि इतने कॉन्सेंट्रेशन से वो इमेजेस और जो विजुअल्स है वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं. समझो अगर हम लोग को लेक्चर्स भी उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा तो क्या होता है. इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में कोई लेक्चर देखते हैं, हेडफोन लगाते हैं, लेक्चर देखते नहीं है बस सुनने का काम करते हैं. बिकॉज ऑडियो क्या करता है, दिमाग में इंफॉर्मेशन या डेटा को फिक्स कर देता है. सो सुनते 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 एक टाइम पर उन्हें वो क्वेश्चन और वो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली याद होता है, वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली याद होते हैं. इसीलिए आजकल यूट्यूब बहुत ही ज्यादा फेमस है. बट यूट्यूब में अलग अलग कंटेंट्स आने लगे, न्यूज आने लगे, मूवीज आने लगे, ठीक है, शॉर्ट फिल्म आने लगे. सब ने अपने अपने हिसाब से उसका फायदा लिया और यूटिलाइज करना शुरू कर दिया. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट और सेकंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू हेल्प टू कंपेयर. कंपैरिजन जो है उसमें तुम्हें बहुत मदद करता है. ठीक है. समझिए आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करना है. सो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4. डिपार्टमेंट 1 के एक्सपेंडिचर, 2 के एक्सपेंडिचर, 3 के एक्सपेंडिचर, 4 के एक्सपेंडिचर. 1 का इनकम, 2 का इनकम, 3 का इनकम, 4 का इनकम. आपने बस एक डेटा बना लिया, डायग्रामेटिक फॉर्म हो, बार डायग्राम हो, कोई ग्राफ हो, कोई पाई चार्ट हो, कोई टैबुलर फॉर्म में हो, कुछ भी हो.
इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज कंसाइज होता है, एक शॉर्ट में होता है, फॉर्मेट में होता है और इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 11th में अगर हमने अकाउंट्स किया होगा, 12th में हमने अकाउंट्स किया होगा, तो दो बैलेंस शीट अगर दिया है तो उन दोनों के बीच में का कंपेरिजन हम कर सकते हैं। दो ट्रेडिंग अकाउंट दिया है तो उन दोनों का कंपेरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब वो टैबलर फॉर्मेट में है, जब हम लोग वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो टेबल फॉर्मेट में या फिर इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेबल फॉर्मेट में, सॉल्व करते हैं एंड देन बाद में कंपेरिजन करते हैं। सो टेक्स्टुअल थिंग्स आर नॉट दैट मच इम्पैक्टफुल फॉर एनालिसिस आल्सो। सो कंपेयरिंग द डेटा इन अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट लुक्स वेरी गुड एंड brings in an efficient decision making or output. Then third is helps in formulating policies. Policies to formulate करने के लिए भी बहुत मदद होता है। ठीक है, अब policies का मतलब क्या है? अलग अलग economic, business और जो state और national और global level को जो policies है, वो सारे policies को हम लोग develop कर सकते हैं, construct कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जब इकोनॉमिकल डेटा हमारे पास होगा, बिजनेस डेटा हमारे पास होगा, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, चाहे वो स्टेट पॉलिसीज हो या फिर सेंट्रल के पॉलिसीज हो, नेशनल हो, ग्लोबल लेवल पॉलिसीज, वो डेटा अगर हम लोग को स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में मिल जाए तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल। इससे क्या फायदा होगा? इससे हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ईजी होगा। अब सब लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए बैठे रहते हैं एक के यूएन में, नेशंस के ऑफिस में, इधर से निकलने से पहले हर एक प्राइम मिनिस्टर, हर एक प्रेसिडेंट डेटा को रीड करते हैं। अब उनके जो लोग होते हैं आज वो असिस्टेंट, वो उनको पूरा फाइल नहीं देते, व्हाट दे डू इज वो उनको डायग्राम्स देते हैं, चार्ट्स देते हैं, सर दिस ऐसा है, दिस इज द सिनेरियो, अगर हम इतना ये सोच चीज कम करेंगे तो हम लोग को इतना इम्पैक्ट है। सो डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं ना वो स्पीच कैसे देना है, वो प्रेसिडेंट के स्किल्स, कैपेबिलिटीज, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है। ठीक है, सेकेंडली कुछ लोगों को तो लिख के भी दिया जाता है कि सर आपके पास यही बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना, तो वो रीड करते अपने स्पीच को एंड वो माहिर हो जाते हैं एंड देन वो प्रेजेंट करते हैं अपने स्पीच को। ठीक है, सो बेसिकली उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो डेटा स्टेटिस्टिक्स और जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन है अच्छे से विजुअल फॉर्मेट पर कन्वर्ट करके देते हैं। देन हेल्प्स इन बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है सब कुछ, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो या रीसेलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपको अगर अपने बिजनेस को फोरकास्ट करना है तो टैबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा लगेगा। क्यों? फ्रेंड्स कितने हैं, रिलेटिव्स कितने हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो हाय हेलो वाले हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो जिनको अगर मैं व्हाट्सएप करूंगा तो शायद पूरा मान जाएंगे, रिप्लाई देंगे, नहीं देंगे, जो सिर्फ दोस्त है बट दे आर नॉट दैट मच फ्रेंड, और फिर एक हाय हेलो भी नहीं है, जस्ट कहीं तो मिले थे, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। ठीक है, वे लिस्ट बनाएंगे कितने लोग हैं वो बनाएंगे, इनमें से एक्सपेक्टेड क्या है, कितने लोग परचेस कर सकते हैं, फ्रेंड्स में से 30%, रिलेटिव्स में से 10%, हाय हेलो वालों में से 40-50%, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में से 80% होने के चांसेस हैं। तो जब आप ये टेबुलर फॉर्मेट में, एक्सेल शीट में, टेबल में अगर आप ये ड्रॉ करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन वही अगर आप लिख के रखोगे, I have so and so friends and from that friends 30% of customers are expected. ये एक एक चीज रीड करते जाना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, प्लस आपका जो फोरकास्टिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा अंटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड योर डेटाबेस। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज एनलार्जेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर एनलार्ज करता है, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस को अपने नॉलेज के हिसाब से एनलार्ज करता है। कोई हो सकता है कि किसी का डेटा अंडरस्टैंडिंग का स्किल बहुत अच्छा हो, किसी का अंडरस्टैंडिंग का स्किल बहुत कम हो, किसी को टेक्सचुअल चीज़ें या रीड करके बहुत समझ में आती है,
अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एनलार्ज करता है, ठीक है, और डेटा जो है वो इजियर कर देता है हम इंसानों को कि वो डेटा को समझे, डिस्क्राइब करे और मेजर करे, और उसके ऊपर जो एक्शन चाहिए वो हम लोग इफेक्टिव एक्शन ले। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन इज टेस्ट हाइपोथेसिस। अगर हमारे पास डेटा ऑलरेडी है तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट आर ची स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट एंड क्यू टेस्ट। ये अलग अलग टेस्ट है जो हाइपोथेसिस के टाइम पे या फिर रिसर्च के टाइम पे हम लोग को यूज होता है। डेटा बेस अगर हमारे पास है तो हम लोग वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस तो बहुत है, फंक्शंस के थ्रू हमने देख लिए, बट डिसएडवांटेजेस भी उसी बराबर है। बिकॉज इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। अगर समझो क्वालिटेटिव फेनोमेना पढ़ना है यानी फंडामेंटल एनालिसिस करना है हमें, वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बताता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इस तरीके से है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का बिहेवियर बहुत अच्छा है, हमें वो नहीं देखता। हम फैक्ट पे बात करते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोलते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं या डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली एक लिमिटेशन है कि क्वालिटी के ऊपर नहीं बात करता, क्वान्टिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 12th पास आउट करके आए, आपका जो फिनोमेना होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, कितना परसेंटेज मिला कितने स्पोर्ट में, दैट इज क्वांटिटेटिव। लेकिन मेहनती लड़का है लड़की है, पढ़ाकू लड़का लड़की है, या फिर एकदम स्कॉलर लड़का लड़की जो हमेशा 80 अबाव 75 अबाव स्कोर करते थे, अब पैंडमिक में कम स्कोर हुआ। सो नो वन इज टॉकिंग अबाउट योर क्वालिटी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट योर क्वांटिटी कि आपके नंबर्स कितने आए। स्कॉलर्स जो 90 स्कोर कर सकते थे उनको 50, 60, 70, किसी को 55 ऐसे स्कोर मिले। सो स्टेटिस्टिक जो है वो क्वालिटी के ऊपर नहीं बात करता। सेकेंड, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल आइटम। स्टेटिस्टिक्स एक पर्टिकुलर आइटम या फिर एक सिंगल कंटेंट पर नहीं बात करता, ठीक है। ये बेसिकली बात करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, ओवरऑल जो कंटेंट है एज ए ग्रुप वो बात करते हैं, ठीक है। एक डेटा सिंगल डेटा को वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, बट पर्टिकुलर डेटा होंगे that will be easy to represent. So, statistics does not study or does not present individual items. Then it can be misused. Statistical data को हम लोग misuse भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे misuse कर सकते हैं? Data में से कोई word इधर उधर कर दिया तो वो malpractice हो जाएगा, ठीक है। और malpractice मतलब उसमें unwanted corrections होंगे, और उसके हिसाब से हमारा जो conclusion है अनवांटेड कंफ्यूजन या फिर रॉन्ग कंफ्यूजन निकल सकता है। एंड सेकेंडली अगर कोई ऐसा इंसान है जो स्टेटिस्टिक्स को प्रिपेयर करना नहीं जानता, पहली बार वो कर रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इनएक्सपीरियंस पर्सन जो है वो स्टेटिस्टिक्स को बहुत ही रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टेटिस्टिक्स ऐसा डेटा है जो बार डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ग्राफ में नहीं कर सकते। ऐसे डेटा को उन्होंने ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया तो डेटा मिसयूज हो गया बिकॉज कंक्लूजन गलत निकला। देन लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। मैथमेटिक्स और फिजिक्स साइंस जो है वो एग्जैक्ट है लेकिन स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है, प्रोबेबिलिटी में चला जाता है। बिकॉज डेटा देख के आपका कंक्लूजन अलग होगा, मेरा कंक्लूजन अलग होने के चांसेस है। So every time whenever we see any particular data in a statistical format, the conclusion or the discussion might go in a very different way, because 10 minds of 10 way of thinking, 50 minds 50 way of thinking. So jitna zyada wo level ke nazar mein jayega utne alag alag tarike se discussions, decisions and conclusions are. So statistical conclusions are not universally true. They are true only on a average. So statistical data जो है universally true नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ average के ऊपर true है। आज के लिए इतना ही guys. In the next class, we will understand types of data and data collection method. This is very much important. अगर आप research करना चाहते हो या आपको research करने में मजा आता है या फिर you are interested in doing research, तो
टाइप्स ऑफ डेटा क्या है और डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, इस नेक्स्ट लेक्चर से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। जो भी अगर डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, नो डाउट सर, एंड देन वी विल बी सेशन।